अम्बाला के राजीव गांधी स्टेडियम में आज महिला वशु प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर योगा फेडरेशन के अध्यक्ष राजेंद्र विज व वुशु फेडरेशन के उपाध्यक्ष अनिल विज रहे। खेलो इंडिया योजना के तहत हो रही राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर व सीनियर वर्ग की महिलाएं भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में लगभग 320 महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं। बहुत अच्छा भारत सरकार का ये प्रयास है। उन्होंने पहले भी खेलो इंडिया कराया और 3-4 साल से इंडिया में वो खेल्स को अलग करा रहे हैं और अब उन्होंने विशेष रूप से एक वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत ये खेलो इंडिया 10 स्टेप के नाम से इसको दिया और पूरे हमारे हरियाणा के अंदर 10 जिलों के अंदर अलग अलग 10 तरह की गेम्स हो रही हैं। उसी के अंतर्गत आज जो विशु है उसका अम्बाला सिटी के अंदर यहाँ पे एक पूरे हरियाणा की प्रतियोगिता रखी गई है और कल करनाल के अंदर योगा की प्रतियोगिता होगी। तो बहुत अच्छा प्रयास है, बच्चों को इससे ज़्यादा ट्रेंड होने का मौका मिल रहा है। जहाँ पहले एक नेशनल गेम्स होती थी, अब वहाँ पर एक खेलो इंडिया भी हो रही है, हरियाणा स्तर के भी हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी हो रहे हैं। इसी से जो हमारी पूरे विश्व के अंदर जो हमारे बच्चे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन पाएंगे। सर आपका नाम और पोस्ट क्या? मेरा नाम अनिल विज है, मैं वुशु एसोसिएशन फेडरेशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हरियाणा में एडहॉक कमेटी का चेयरमैन हूँ। आज यहाँ जो खेलो इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें सब जूनियर, जूनियर और सीनियर तीनों वर्ग की महिलाओं का ये प्रतियोगिता हो रही है। इसमें पूरे हरियाणा से सब जिलों से 320 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिए, जो एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और ये शाम तक प्रोग्राम चलेगा। इसमें जो सरकार की तरफ से इम्प्रूविंग वुमेन थ्रू स्पोर्ट्स की पॉलिसी चलाई गई है, ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जिसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।